मुनाफ फारूक को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, पूरा मैटर क्या है चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दरअसल क्या हुआ कि मुनाफ फारूकी का दुबई में उनका कॉन्सेप्ट था स्टैंड इन कॉमेडियन का, कोकनी लोग को लेकर ये जोक मारा था। तलोजा, अच्छा आज पूछ लिया कि कोई ट्रैवल करके आया तो तलोजा अलग हो गया, वरना इनके गांव वाले पूछते होंगे ना कहाँ रहते, हम बंबई रहते हैं। ये कोकनी लोग फारूकी को काफी ज्यादा हेट मिलने के बाद मुनाफ फारूकी ने इस चीज पे रिएक्ट करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे उन्होंने क्या कहा है आप सब देखिए। कुछ क्लियर करने आया था, एक्सप्लेन करने भी आया था, और एक कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जो भी नहीं कहेंगे क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था, एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज लोगों के लिए कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है कि मैंने कोकन का मजाक उड़ाया है। तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है, मैं अभी भी वही कहना चाहूंगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज मेरे मुंह से निकली, लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोगों को हर्ट हो रहा है और मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है, मैंने जिस पे जोक किया था उन लोग ने भी बहुत एंजॉय किया था, और शो पे भी बहुत सारे सब लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सब लोग थे। बट अब इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज आती है और ऐसी चीज हमारे सामने आती है तो पता चलता है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं आप सबसे दिल से माफी मांगता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इन सभी पे आप लोगों का क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग मेरे वीडियो पे नए उतारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना।